तमीम अम स्टूडेंट्स आई एम प्रोफेसर कुसूम रज़ा सो टुडे अवर टॉपिक इज़ अबाउट फैमिली पॉइसी लेक्चर स्टार्ट करने से पहले स्टूडेंट्स अगर आप चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली इसे जल्दी से सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाली वीडियोस जो हैं वो आपको ईज़ीली अवेलेबल हो सकें सो कम टू वर्ड्स अवर टॉपिक फैमली पोइसी ग्रामिनाए फैमिली बीच से पहले कहा जाता था और ये फैमिली बेसिकली मोनोकॉर्ड से बिलोंग करती है आज जो हम इसके रिप्रेजेंटेटिव स्पेशी के बारे में डिस्कस करेंगे वो बेसिकली एवेना स्टाइवा स्पिशी है जिसको हम मोस्टली बॉर्डे कॉमन नेम से भी याद करते हैं इसको आज हम डिस्क, डिस्कस करेंगे सो so, स्टूडेंट्स जो हमारे पास फैमिली पोएसी है इसके अंदर डिफरेंट टाइप्स ऑफ जो है वो हमारे पास स्पीशीज़ पाई जाती हैं लाइक बार्ले है वीट है शुगर केन इसके अलावा और भी डिफरेंट टाइप्स सो so, आज जो है वो हम ओवरऑल एक पैटर्न देखेंगे तो डिस्ट्रीब्यूशन पैटर्न में देखते हैं कि इस जो हमारे पास रिप्रेजेंटेटिव स्पीशी एवेना स्टाइवा है इसकी फाइव हंड्रेड जनरल हैं और फोर्टू फाइव हंड्रेड स्पीशीज़ हैं इसके अलावा ये स्ट्रॉप ट्रॉपिकल और टेम्परेट रीजन के अंदर भी पाई जाती है ट्रॉपिकल ऐसे इलाके होते हैं जो गर्म इलाके होते हैं और टेम्परेट जो के मतदिल इलाके होते हैं यानी जहां पर जो है वो ना गर्मी ज्यादा होती है और ना ही सर्दी ज्यादा होती है पाकिस्तान में इसके जो जनरा हैं वो 158 फिफ्टी जनरा है एंड 492 स्पीशीज हैं सो सेकेंड पॉइंट की तरफ आते हैं तो स्टूडेंट्स जो हमारे पास सेकेंड पॉइंट है वो बेसिकली डायग्नोस्टिक करैक्टर है कि हमने डायग्नोस करना है कि ये जो करैक्टर्स हैं क्या वो इसी फैमिली के हैं तो इसमें सबसे पहले जो है वो डायग्नोस्टिक करैक्टर में हम वेजिटेटिव करैक्टर देखते हैं स्टूडेंट्स वेजिटेटिव करैक्टर्स वो करैक्टर्स होते हैं जो कि रिप्रोडक्शन में टेक पार्ट नहीं ले रहे होते लाइक like रूट है स्टेम है लीफ है ठीक है तो इस तरह के जो हमारे पास करेक्टर्स होते हैं वो रिप्रोडक्शन में पार्ट नहीं ले रहे होते आइए इनको वन बाई वन डिस्कस करते हैं हैबिट कल्टिवेटेड यानी जिसको ग्रो करवाया जा सके एनुअल यानी जो एक साल तक एक सीजन में रहती है और प्रीमियल यानी जो एक साल से भी ज़्यादा अरसे तक जो है वो रह सकती है दो साल तक दो से भी ज़्यादा रह सकती है रूट एडवेंश ग्रासिस की तरह की होती है फेबरस रूट्स होती हैं स्टेम इरेक्ट होता है बिल्कुल सीधा ऊपर की तरफ सिलेंड्रिकल थोड़ा राउंड होता है डिस्टिंग नोड्स एंड इंटर नोड्स, यानी नोड्स और इंटर नोड्स जो हैं वो बिल्कुल क्लियर नज़र आ रहे होते हैं फिस्ट्यूलर ये टर्म न्यू है स्टूडेंट्स ये देखें लाइक देख, अगर हमारे पास जो है वो ये एक मैं स्टेम बना रही हूँ आपके सामने इसमें यहाँ पे जो है वो मैं ये कुछ पॉइंट्स ड्रा करूंगी सो so, इनको लेबल करते हैं तो ये जो चीज है हमारे पास ये वाला हिस्सा इसको बोलते हैं नोट इस हिस्से को बोलेंगे हम इंटर नोट सो स्टूडेंट्स यहाँ पे जो है वो ये हमें इंटर नोट जो हैं, वो बेसिकली ये जो आप नोट देख रहे हैं ये हालो स्टेम की तरह के नज़र आ रहे हैं यानी अंदर से जो है वो बेसिकली क्या है एम्पटी हैं सो यहाँ पे ये बात क्लियरली uh, uh, जो है वो क्लियर होगी कि डिस्टिंग नोट्स एंड इंटरनोड्स नोट्स और uh, जो इंटर नोट्स हैं वो डिस्टिंगली हम देख सकते हैं क्लियरली देख सकते हैं कि वो विजिबल हैं फिस्ट्यूलर यानी ये एक एम्पटी स्टेम है लीफ कॉलिन एंड रैमल फॉर एग्जाम्पल हमारे पास ये एक स्टेम है अब कॉलिन का क्या मतलब है कि अगर हमारे पास जो है वो यहां पे इस स्टेम के ऊपर कुछ नोड्स प्रेजेंट है लाइक दिस अगर इन नोड्स के ऊपर से लीव जो है वो निकल रहा है इस तरह से तो ऐसे कंडीशन को हम कॉलिन बोलते हैं रेमल का मतलब है कि इस टाइम से आगे फर्दर अगर ब्रांचेस निकल रही हैं लाइक दिस लाइक लाइक दिस इसी तरह फर्दर जो आगे लेटरल ब्रांचेस होती हैं वो अगर निकल रही हैं और उनके ऊपर अगर लीव्स लग रहे हैं लाइक like दिस तो ऐसी सिचुएशन हम बोलते हैं रैमल एक्सटिप्यूलेट यानी यहाँ पे अगर हमारे पास जो है वो फ्लोर लगा हुआ है तो यहाँ पर बेसिकली कुछ इस तरह से जो है ना वो ग्रोथ्स प्रेजेंट होती हैं आउट ग्रोथ्स प्रेजेंट होती हैं अब अगर वो प्रेजेंट होंगी तो उस फ्लावर को हम स्टिपुलेट बोलते हैं लेकिन यहाँ पे इसके केस में हमारे पास ये चीज जो है वो प्रेजेंट नहीं है इस वजह से इसे हम क्या बोलेंगे स्टिपुलेट ऑल्टरनेट लीव क्या है ऑल्टरनेट यानी एक इस साइड पर दूसरा इस साइड पर पैरा लेलशन एंड लिग्यूलेट येट होते हैं लीव्स और पैरालेल का क्या मतलब है कि फॉर एग्जांपल अगर हमारे पास ये लीव है उसमें ये मिड रिब है तो इसके आगे जो हमारे पास फर्दर वेनलेट्स हैं वो एक दूसरे के पैरालेल हैं यानी एक जो है वो दूसरे के ऊपर दूसरी तीसरे के इस तरह से ये एक दूसरे के जो है वो ऊपर नीचे हैं तो इस विनेशन को हम फिर बोलेंगे पेरालविनेशन सो so, स्टूडेंट्स अभी तक जो बात हमने की है वो बेसिकली हमने फ्लोरल करैक्टर्स के बारे सॉरी वेजिटेटिव करैक्टर्स के बारे में पढ़ी है जो रिप्रोडक्शन में पार्ट नहीं ले रहे होते अब हम पढ़ने लगे हैं फ्लोरल करैक्टर्स जो वो करैक्टर्स हैं जो फ्लावर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं अगर ये चारों को चारों किसी फ्लावर में प्रेजेंट होंगे तो ऐसे फ्लावर को हम कम्प्लीट फ्लावर बोलते हैं और अगर इनमें से कोई एक भी एबसेंट हो तो उस फ्लॉर को हम इनकम्प्लीट फ्लावर बोलते हैं वो वो कौन कौन से कैरेक्टर्स हैं कैलेक्स क्रोला एंडियम एंड गाइनोशियम लेकिन ये जो हमारे पास पेसी फैमिली है इसके केस में क्या होता है कि कैलेक्स एंड क्रोला नहीं नजर आ रहे होते बल्कि हमारे पास मॉडिफाइड फॉर्म होती है जिसे हम पेरियथ बोलते हैं जिसके अंदर कैलेक्स और क्रोला फ्यूज होते हैं तो पोएसी फैमिली में फिर ये हमें लोडी की फॉर्म में नजर आएगी इनफ्लोरिस का बाय वर्ड मीनिंग क्या होता है कि जो हमारे पास फूल है जो फ्लोर है वो एक पौधे के ऊपर किस तरह से लगा हुआ है अरेंजमेंट ऑफ द फ्लोर ऑन द फ्लोरल एक्सिस ठीक है इसमें फिर पेडंगल के ऊपर वो किस तरह से अरेंज है ये इनफ्लोरीसेंस होती है आइए देखते हैं कि पोएसी फैमिली की क्या है इन्फ्लोरिसेंस पैनिकल ऑफ स्पाइकलेट्स यानी ये समटाइम्स स्पाइक ऑफ स्पाइकलेट्स भी हो सकता है समटाइम पैनिकल ऑफ स्पाइकलेट्स भी हो सकता है ये स्पाइकलेट्स बेसिकली जो है वो ब्रैक्ट्स से बनते हैं और ब्रैक्ट्स के दो पेयर्स होते हैं जिनको हम ग्लूम्स बोलते हैं फ्लोर क्या है ब्रैक्टिट है इनफीरियर पिलाई और सुपीरियर पिलाई इसमें प्रेजेंट होता है सेक्सेस बाई भी कभी हो सकता है और कभी यूनिसेक्सुअल भी हो सकता है ओवरी हाइपोगाइनस है यानी कि हमारे पास जो है वो अगर ये इस तरह से जो है वो रिसेप्टेकल अगर हम बनाएं और इसके ऊपर अगर ओवरी प्रेजेंट हो तो इसका मतलब ये है कि ये ओवरी जो है वो हाइपोगाइनस है यानी सुपीरियर ओवरी है इसकी पोजीशन ऊपर वाले साइड्स पे बाकी से वो इसके जो है वो करैक्टर्स हैं वो ओवरी से नीचे जो है वो इमर्ज होंगे सिमेट्री जैगो मारफिकायको मार्फिक। का मतलब होता है कि अगर जो है वो हम किसी भी फ्लोर को जो है वो इस तरह हॉरिजेंटली कट करें तो वो हमें इक्वल पार्ट्स में जो है वो मिलता है लेकिन अगर हम किस इस फ्लोर को जो है वो हॉरिजनटली कट करें तो हॉर्जेंटली कट करने की वजह से जो है वो हमें फ्लोर के इक्वल फॉर जो हैं वो नहीं मिलते लेकिन सिर्फ इस तरह से कट करने से जो है वो हमें मिल जाते हैं तो ऐसी सिमेट्री को फिर हम जाइगोमॉर्फिक सिमेट्री बोलते हैं और इसका साइन जो है वो हम इस तरह से शो करवाते हैं प्लस के जैसा पेरियंथ जैसे मैंने आपको पहले बताया कि कैलेक्स और क्रोला जो है वो मिलकर क्या बनाते हैं पेरियंथ इसमें क्या होता है पोएसी फैमिली में हमारे पास टू माइन्यूट स्केली लिए लौ, लोड्यूल लॉडिक्यूल्स प्रेजेंट होते हैं इस तरह से जो है वो हमारे पास लॉडिक्यूल्स जो है वो प्रेजेंट होंगे एंड्रोचियम मेल पार्ट है ठीक है फ्लावर का इसके अंदर थ्री स्टेमन हैं अब स्टेमन होता क्या है स्टेमन बेसिकली कॉन्सिस्ट करा होता है एंथर और फिलामेंट पे मैं स्ट्रक्चर भी यहाँ बना देती हूँ ये हमारे पास जो है वो एक स्ट्रक्चर है जिसे हम बोलते हैं एंथर और ये लॉन्ग एक स्टॉक लाइक डंडी की तरह का आपको स्ट्रक्चर नजर आ रहा होगा इसको हम क्या बोलते हैं ये क्या है फिलामेंट है इस तरह का स्ट्रक्चर कितने प्रेजेंट होंगे तीन ठीक है एंथर और फिलामेंट को कलेक्टिवली है। मतलब है सकते हैं लॉन्ग है आप देख सकते हैं लॉन्ग है। है। मतलब है तो अगर हवा आएगी तो ये लहरा सकता है हवा में ये सिजाइल नहीं होगा वर्सिटाइल का मतलब है कि इस ये लहराएगा अगर जो है वो हमारे पास कोई हवा विंड सीजन चलता है गायनोशियम गाइनोशियम के केस में क्या होता है कि हमारे पास कॉर्पल जो है वो कितनी होती हैं एक प्रेजेंट होती है यहां पे मैं आपको बता दूँ कि कार्पल क्या होती है ये हमारे पास जो है वो स्ट्रक्चर है स्टिग्मा स्टाइल और ये ओवरी इन तीनों पार्ट्स को कलेक्टिवली हम क्या कहते हैं ये क्या है कार्पल है तो इसमें फिर फ्लोर में कितनी होगी एक कार्पल यानी सिर्फ ये एक पोर्शन प्रेजेंट होगा ओवरी पीरियड पहले भी आपको बता चुकी हूँ बेजल ओव्यूल यानी इस ओवरी के अंदर जो ओव्यूल निकलता है वो इसकी बेस से जो है वो निकलता है इसी वजह से इसकी प्रेजेंटेशन भी फिर कौन सी होगी बेजल स्टाइल शॉर्ट यानी ये जो आपको ये ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर नजर आ रहा है ये बहुत छोटा सा होता है स्टिग्मा टू एंड फिदरी स्टिग्मा इसमें दो होते हैं लाइक like एक इस तरह से बीस जो है वो स्टिग्मा निकल सकता है फिदरी फिदरी यानी कि इस तरह से ऊपर जो है वो हमें स्टिग्मा इस तरह से नजर आएगा फिदर लाइक लाइक दिस फ्लोरल डायग्राम की तरफ चलते हैं तो स्टूडेंट्स ये हमारे पास एक स्टेम है इसमें ये इसके जो है वो मैं इंटरनोड्स बना रही हूँ ठीक है इसको हम क्या कहते हैं अब यहां से हमारे पास जो है वो इस तरह से ब्रांच एक निकल रही है इस ब्रांच के ऊपर जो है वो इस तरह से एक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है जिसे हम कहते हैं ग्लूम्स ये चूंकि नीचे वाले साइड पे है इसे लोअर ग्लूम बोलेंगे ये अपर साइड पे है इसे हम अपर ग्लूम बोलेंगे इसी तरह इसके ऊपर जो है वो कुछ इस तरह का स्ट्रक्चर प्रेजेंट होगा ये चूंकि नीचे वाली साइड पे है तो इसे हम बोलेंगे ये इंफीरियर पिलाई है और ये कौन सी पिलाई होगी फिर सुपीरियर पिलाई उसके बाद यहां से जो है वो टू माइन केली लॉडिक्यूल्स जो है वो निकलते हैं एक दो ये क्या है लॉडी क्यूल्स फिर एंड्रोशियम की बात करें तो तीन स्टैमन हमने पढ़ा एक स्टैमन फिलामेंट क्योंकि इनका लॉन्ग होता है तो हम इस तरह से ये बनाएंगे दूसरा स्टैमन तीसरा स्टैमन ये क्या है हमारे पास स्टैमन यानी मेल पार्ट फिर यहां से ओवरी निकलती है स्टाइल चूँकि उसका छोटा होता है और स्टिकमा कितने पड़े थे हमने टू स्टिकमा इस तरह से टू स्टिकमा प्रेजेंट होते हैं और फिदरी होते हैं तो इस तरह स्टिकमा के ऊपर जो है वो क्या होगा फिद्री आइए इसको लेबल करते हैं ये क्या हो गया बाईफिट स्टिकमा बाईफिट का मतलब है दो शाखों वाला स्टाइल शॉर्ट ओवरी अब यहाँ पे स्टैमन है स्टेमन के दो पार्ट्स होते हैं एंथर और फिलामेंट तो जो एंथर है वो बेसिकली क्या होगा वर्से अब फ्लोरल कैरेक्टर की तरफ देखते हैं तो हमने बात की कि ये क्या है ग्लूम्स हैं जो कि मॉडिफाइड ब्रैक्ट्स होते हैं तो इस वजह से हमें ये भी समझ आ गई ये क्या है ब्रैक्टिड फ्लावर है सिमेट्री की बात करें तो ये जयगो मैंने आपको बताया कि अगर हम इसको जो है वो इस तरह से ये वाला पोर्शन सारा इधर भी होता है इस तरह से तो अगर हम इसको जस्ट वर्टिकली कट करें तो ही हम इक्वल पार्ट्स गेन कर सकते हैं और कट करने से हमें इक्वल पार्ट्स नहीं मिलेंगे सो so, इसकी सिमेट्री कौन सी होगी जायगो मार्फिक कैलेक्सन करोला हमें नहीं मिल रहे पेरियंथ मिल रहे हैं और वो कितने हैं लॉडिक्यूल्स टू लॉडिक्यूल्स हैं टू लॉडिक्यू उसके बाद एंड्रोशियम थ्री स्टेमेंस थे उसके बाद गाइनोशियम एक ही कार्पल थी हमारे पास वन ओवरी क्या थी स्पीरियर तो हम इसके नीचे एक लाइन लगा देंगे ये हमारे पास बन गया फ्लोरल फार्मूला उसके बाद कॉमन स्पीशीज हैं हॉर्डियम वलगैरा बार्ले कहते हैं इसको जी मेज है सेक्रम ऑफिनम शुगर केन है सो ये हमारे पास डिफरेंट फैमिलीज हैं इकनॉमिक के इम्पॉर्टेंस की बात करें तो ये हमारे पास एज अ फूड भी हम इसे यूज़ करते हैं ईटेबल प्रोडक्ट्स इससे बनती हैं जैसे शुगर है गुड़ है जूस बनाते हैं हम शुगर केन से पेपर मैन्युफैक्चरिंग में पेपर बनाने के काम आता है बैम्बूज बिल्डिंग के लिए बनाने के लिए काम आता है बैम्बूज़ के जो पत्ते होते हैं वो खांसी के लिए काफ़ी ज़्यादा मुफीद हैं मेडिसिन में हम इसे यूज़ करते हैं इसके अलावा सैंड ब्राइंडर सी सी शोर्स पर हम इसे यूज़ करते हैं कुछ स्पीशीज़ ऐसी हैं जिनके जो है वो ब्रैक्स बहुत ज़्यादा स्टोनी होते हैं तो उनको हम ज्वेलरी बनाने में काम जो है वो यूटिलाइज करते हैं सो इसकी लॉट ऑफ इम्पॉर्टेंस है बेसिकली सो स्टूडेंट दिस इज अबाउट ग्रैम ग्रैम इन आई आर पोसी फैमिली आई होप यू वेरी वेल अंडरस्टैंड दिस टॉपिक एंड जो है वो अगर आप कोई इस फैमिली की समझ आ गई तो इट मीन्स कि आपको सारी फैमिली इसकी जहर समझ आ जाएगी जा सारी फैमिली इसको अटैम्प्ट करने का एक ही तरीका है सबसे पहले आपने डिस्ट्रीब्यूशन बतानी है उसके बाद डायग्नोस्टिक बताना है डायग्नोस्टिक में आपने तीन चार चीज़ें बतानी हैं वह वे उसका वेजिटेटिव ट्रैक बताना है रूट है हैबिट है स्टेम है लीफ है उसके बाद आपने फ्लोरल ट्रैक्टर बताना है कैलिकस एकरोला है एंड्रोजियम है, है गाइनोशियम है उसके बाद आपने उसके जो है वो इन बतानी है कि वो एक प्लांट है तो उसके ऊपर वो फ्लावर लगा कैसे हुआ है उसके बाद फिर आपने जो है वो बताना है वो फ्लावर है किस तरह का है कंप्लीट है जैगोमार्फिक है उसकी सीट्री उसकी ओवरी की पोजिशन उसके अंदर ब्रैक्ट्स हैं या नहीं हैं उसके बाद फिर आपने जो है वो फ्लोरल डायग्राम बनानी है उसमें आपने सारी चीज़ें शो करनी है फिर फ्लोरल फार्मूला बताना है उसके बाद फिर कॉमन स्पीशीज़ और लास्ट पर इकनॉमी इंपॉर्टेंस आपने बतानी है इस तरह हमारा ये एक लॉन्ग क्वेश्चन जो है वो कम्प्लीट हो जाता है थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स अल्लाह हाफिज़